खबर उधम सिंह नगर की खड़ीमा से है, जहां कांग्रेस विधायक एवं उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी के कैंप कार्यालय में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बॉबी राठौर के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार आर्य, जिला महासचिव हिमांशु तिवारी, विधानसभा अध्यक्ष ललित ज्वाला, उपाध्याय जसपाल सिंह, लक्ष्मण सिंह राणा, ननक मत्ता विधानसभा अध्यक्ष तारिक खान तथा उपाध्यक्ष सलमान अली का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। साथ ही एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। स्वागत समारोह के दौरान सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी सहित प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया तथा पार्टी के हित में पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। वहीं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार आर्य ने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से पार्टी को मजबूत करने का विश्वास दिलाया। वही कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बॉबी राठौर ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि सभी लोग एकजुट होकर पार्टी के हित में कार्य करेंगे। खड़ीमा उधम सिंह नगर से ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। जो सभी को सम्मान देती है, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपना। आपको समस्याओं का समाधान करना है, लोगों की भी और अपनी भी। जब आप चुनाव कमेटी में जितने लोग भी हैं, हम संगठन को एक साथ लग के मजबूत करेंगे। और मुझे अच्छी तरह याद है, जब लोकसभा अध्यक्ष की दावेदारी करी थी तो इंदिरा हिंडे करोगे, इतना बड़ा लोकसभा चुनाव लड़ रहे हो जिसमें दो जिले आते हैं, एक उधम होता है। वो एक ऐसी पार्टी है जो कहीं पे किसी को सम्मान देती नहीं है, और वो पार्टी गर्त में जा रही है। उनका जो काम नहीं करते थे, वो चाहते थे कि पार्टी हमारी वजह चले, हम पार्टी के साथ जाएंगे। जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, तमाम पद जो हैं कांग्रेस के पास, यहाँ पर जो हमारे यूथ कांग्रेस के आंतरिक चुनाव होते हैं, इसमें हमारे यूथ कांग्रेस के छोटे भाई लोग जीत के आए हैं। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और यूथ कांग्रेस का जो आप कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष का पद जो है खटीमा को मिला है, ये खटीमा के लोगों के जो युवा लोग हैं उनकी जीत है। सब लोग एकजुट होकर जो चुनाव लड़े हैं उसमें सब युवाओं की जीत है, और इसलिए जिला अध्यक्ष का पद जो है खटीमा को मिला है। मैं पहले तो संगठन को धन्यवाद करना चाहूँगा, कांग्रेस को और जो सिस्टम को, हमारे यूथ कांग्रेस को, और माननीय विधायक जी को और ब्लॉक अध्यक्ष का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हम एनएचआई का यूथ कांग्रेस और हमारे छात्र संघ का जो चुनाव होना है उसमें हम सब मिल बांट के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो साथ में जीते हुए हैं, तो हम बराबर उनका मदद करेंगे और सहयोग करेंगे और उनके साथ तन मन धन से लड़ेंगे और अपने यूथ निश्चय के कैंडिडेट को जिता के लाएंगे। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए और हमारे साथ मिलके चुनाव को और या हमारे किसी भी मुद्दे पे हम एक साथ मिलके लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे।